सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में पहले बारिश की आस तथा उसके बाद बोनी में देरी और अब रबी की फसलों में रोग का लगना। क्षेत्र के किसान रबी की फसल को लेकर पहले से ही परेशान थे। अब चने की फसल के बाद गेहूं की फसल भी सूखने लगी है। गेहूं के पौधे तो हरे हैं, परंतु तने से ऊपर बालियां सूखने लगी है, जिसने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। लगातार मौसम में उतार चढ़ाव के कारण ये स्थिति बन रही है। इन दिनों खेतों में लेलहाती चने की फसल में फफूंद रोग की शिकायतें तो आ रही थी। अब सिवनी मालवा तहसील के ग्राम अमलाड़ा कला में गेहूं के सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़े पौधे बाली पर से सूखने लगे हैं, जिसकी सूचना किसानों के द्वारा पटवारी सहित कृषि विभाग को भी दी गई है, परंतु अब तक किसी के द्वारा किसानों की सुध नहीं ली गई है। सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में गेहूं का कुल रकबा 48,000 हेक्टेयर में है। हालांकि सभी जगह अभी ये रोग नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु बड़े रकबे में गेहूं की फसल पर ये रोग दिखाई देने लगा है। विगत दिवस सिवनी मालवा एक कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा ने बताया था कि नमी के बाद बढ़ते तापमान एवं नमी के कारण ये जमीन में रोग लगने लगा है। मौसम में एकदम से उतार चढ़ाव आने के कारण फफूंद रोग भी आने की संभावना अधिक रहती है। गेहूं की फसल में फफूंद जनक रोग के लक्षण पाए गए हैं। पौधों पर फफूंद के कारण गेहूं की बालियां सूखने का खतरा पैदा हो गया है। कृषि विशेषज्ञों ने गेहूं की फसल में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइटेड फफूंद जनक रोग के लक्षण देखे। इसमें फंगस तो स्पष्ट नहीं दिखती, पर रोग के कारण गेहूं फसल की बालियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती है। इस वजह से दानों की ग्रोथ नहीं हो पाती है और पैदावार गिर जाती है। कुलदीप कुमार सोनर नाम है सर मेरा। क्या समस्या है सर? ये गेहूं आप देख सकते हैं, हरा का हरा सूख रहा है। गेहूं की आयु लगभग अभी 80 दिन की है, अभी दाना पूरा पका नहीं है। उसमें ये कंडीशन है कि 50-60% उम्मीद सूख चुकी है इसकी। गंभीर सिंह राजपूत। गेहूं अभी हरा का हरा सूख रहा है सर, इसमें दाना नहीं है अभी। कितना प्रभावित हो गया है अभी? क्या लागत लगी आपकी? क्या लागत? तो अभी एकड़ पीछे कम से कम 10-12 हजार की लागत है। अभी 50% नुकसान दिख ही रहा, आप भी देख रहे हैं। और अभी ये पता नहीं कि ये बीमारी रुकेगी कि आगे और बढ़ेगी, हर एक दिन बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। क्या कहना चाहेंगे कृषि विभाग? कृषि विभाग से पटवारी सर्वे करा के और इसका नुकसान का जो भी बनता है वो किसान को देने की कृपा कर।